नमस्कार, आप देख रहे हैं DTNRST। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर फायरिंग हुई, उनके दाएं कान में गोली लगी, लेकिन वो सुरक्षित है। बताया जा रहा है कि उन्हें अस्पताल से छुट्टी भी दी जा चुकी है। ट्रंप मंच पर आए, उन्होंने बोलना शुरू किया, टेक अ लुक एट व्हाट हैपेंड, और फायरिंग की आवाज आनी शुरू हो जाती है। थोड़ी देर में चीक पुकार, ट्रंप चौंकते हुए दाया हाथ कान पर रखते और झुक जाते हैं। इस बीच सुरक्षा गार्ड घेरा बना लेते हैं। ट्रंप खड़े होते हैं, कान और खून सने चेहरे के साथ दाई मुट्ठी बीकते हुए कुछ कहने की कोशिश करते हैं, फिर गार्ड उन्हें घेरे में लेते हुए कार में निकल जाते हैं। इसी घटना को देखते हुए अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा, कमला हैरिस, उपराष्ट्रपति एलन मस्क, टेस्ला कंपनी के ओनर, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, साथ ही भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, मेरे मित्र पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर हुए हमले से बेहद चिंतित हूं, घटना की कड़ी निंदा करता हूं, राजनीतिक और लोकतंत्र में कोई हिंसा की कोई स्थान नहीं है, उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं, हमारी संवेदनाएं और प्रार्थनाएं मृतकों के परिवार, घायलों और अमेरिकी लोगों के साथ हैं। पेश एक रिपोर्ट।